तो लोग वो गब्बर से डरते थे, आपसे नहीं डरते? चाट मसाला मार दिया पकोड़ों के मुंह के ऊपर, है ना? आप पकोड़ों को तलने के बाद पीटते हैं क्यों? गुस्सा निकालते हैं अपना? हाँ, ये देखिए, ये देखो जी, ये देखो पकोड़ों के मुंह के ऊपर कैसे चाट मसाला मार। सेवा करते मेवा नहीं लेते, तो इसको खाकर गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी? नाम सुनकर तो ऐसा लगता है छोटी छोटी पकौड़ी होगी, पर है ना, नाम आपका खतरनाक है, पर आप झूठ बोलकर लोगों को खिलाते, पकौड़ियों के आप पापा बनाते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज हम आए अयोध्या, और अयोध्या में ना भाई साहब, इन गब्बर भाई साहब का सिक्का चलता, नाम चलता बहुत ही जबरदस्त, जहाँ लोग दोपहर में अपना काम बढ़ाकर घर चले जाते हैं, यहाँ पर इनका काम शुरू होता है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? जय सीताराम। जय सीताराम, कैसे हो जी? बढ़िया है भाई। अच्छा, आप कौन से वाले गब्बर हैं? गब्बर हमारा नाम ही है। आप ही का नाम गब्बर है? तो लोग वो गब्बर से डरते थे, आपसे नहीं डरते? क्यों, ऐसे क्यों? हमसे नहीं डरते, हमें थोड़ी थोड़ी है। तो लोग पैसे देके जाते कि नहीं, कि लोग बोलते उस साले गब्बर की खुंदक आपसे निकालनी है? लोग हमको सम्मान देते हैं, हम भी सबको सम्मान देते हैं। क्या बात है, ये बात कह के आपने दिल खुश कर दिया। आप सम्मान देते हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं, क्या बात है, क्या बात। गब्बर भाई, ये कितने साल पुरानी शॉप है आपकी? 2010 से चालू है। 2010 से? फिल्म पहले आई थी कि आप पहले आए थे? पहले फिल्म आई थी। पहले फिल्म आई थी गब्बर की, उसके बाद आप? तो किसने रखा आपका नाम गब्बर? यही सब माँ बाप रखे होंगे नाम। अच्छा जी, मम्मी डैडी ने रखा। कौन सा नाम है? अच्छा, अलग सा नाम रख दिया। अलग से। तो ये वो शॉप है जहाँ पर लोग डर के नहीं खाते, खुश होके खाते हैं। लोग खुश होके खाते हैं मुझसे। क्या बात है जी, ये देखो, तो नाम ऐसा है कि लोग इसको भूलते भी नहीं है। तो पकौड़े स्वाद रहते कि नहीं रहते? स्वाद रहते हैं, तो कस्टमर बताएगा स्वाद रहते हैं नहीं रहते हैं। अच्छा जी, नहीं कस्टमर तो मैं देख रहा हूँ, लोग दोपहर का मतलब रोटी नहीं खा रहे हैं, दोपहर में स्पेशल आपके पास पकौड़े खाने के लिए आ रहे हैं। तो पकौड़े कितने टाइप के रहते हैं आपके पास? हमारे यहाँ 6 पकौड़े हैं। 6 के जी। तो आप भी खाते हैं? हाँ, कभी कभी खाते हैं। अच्छा, वो मैंने अभी पीछे देखा था, आप पकौड़ों को तलने के बाद पीटते हैं, क्यों? गुस्सा निकालते हैं अपना? नहीं नहीं, उसमें उसको दबा देते हैं थोड़ा, बीच में कच्चे नहीं रहते, बढ़िया पक जाते हैं। बढ़िया पक जाते हैं। ये लो भाई साहब, पनीर का स्लॉट आ रहा है। तो क्या बेसन में क्या मसाले जायका डालते हैं आप? हाँ, जो लोगों की भीड़ लगी रहती है गर्मी में, लोग मजे से आपके पास पकोड़े खाने के लिए आ रहे हैं। इसमें मसाले सारे पड़े रहते हैं, अपने हिसाब से पड़े रहते हैं सब, नमक बढ़िया। नमक के अलावा तो कुछ डालते होंगे? अरे पड़े रहते हैं, सामान पड़े रहते हैं अपना। कुछ भांग की गोली डालते हैं लोग स्पेशल खाने के लिए आते हैं आपके पास? नहीं, मजाक कर रहे हैं, जोक से पार्ट है। ये लंबे लंबे बनाते पनीर के पकोड़े जी? बाद में दो हिस्से करते हैं इसके? नहीं, ये सिंगल रहेंगे। सिंगल ही रहेंगे, क्या बात है जी। क्या प्राइस रहता है जी पकोड़ों का? ये 15 पीस है। 15 पीस है, क्या बात है। और बाकी पकोड़े 10 पीस हमारे यहाँ। तो गब्बर भाई, आप बड़े अच्छे दिल के हो यार, नेक, टेंशन फ्री, है ना? नाम आपका खतरनाक है, पर आप खतरनाक नहीं है। नहीं है ना, क्या बात है। तो ये दोपहर में ही खिलाते हैं पकोड़े, शाम को नहीं खिलाते? नहीं, दो सेकंड ही टाइम से दुकान खुलती है। अच्छा, दोपहर 2 खोलते हैं, बढ़ाते कब है दुकान? 2 से लेके और 10 रात तक 11 तक चलती है। जी जी, बहुत दूर दूर लोग आते हैं खाने। दूर दूर से? हाँ। कितनी दूर दूर से? अरे बहुत दूर से, 2-3 जिला जो करीब करीब है, सब लोग आते हैं। जी जी जी। और कस्टमर हमारे बाहर से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आके यहाँ पे राम लला के दर्शन करने आते हैं। जी, लोग जानते हैं जरूर, क्या बात, राम जी की हमारी कृपा है। लगा रहता दीवानगी जमावड़ा, लोग स्पेशल दूर दूर से खाने के लिए आते हैं आपके पास, है ना? तो कितने पकोड़े बेच देते हैं एक दिन में? जो बिक जाए उसे कोई गिनती नहीं, बताएंगे नहीं कि नजर लग जाए ना? नहीं, नजर न जाए, जितनी बिक जाए। अरे नहीं, नजर लगती और दुकान बढ़ेगी अगर बता दोगे तो। नहीं, राम जी की कृपा से जितनी बिक जाए उतनी हम खुश रहते हैं। तो ये किस चीज के पकोड़े बना रहे हो? ये आलू की पकौड़े हैं। आलू के पकौड़े? ये आलू के। ये आलू को बॉयल करने के बाद मैश करते हैं? उबाल करके उसके बाद इसको मैच करके उसको मुंबई में इसको बड़ा बोलते हैं, इसको मुंबई मोड़ा बोलते हैं आलू। और ये कलाकारी सीखी कहाँ से थी आपने? ये हम अपने पास सीखे थे गांव पे, बासी एक घर शहर है। अच्छा, वहाँ पे सीखे थे। और आनंदमय होकर आप बनाते हैं, आनंदमय होकर लोग खाते हैं ना? ये कितना टाइम लगेगा इसको? बस 5 लगेगा उन्हें। अच्छा, तो इसको खाकर गर्मी लगेगी ठंड लगेगी? अगर गर्मी सीजन है तो गर्म तो लगेगी, गर्मी लगेगी ना? लगेगी ना। आप हटोगे पकाने से और लोग हटेंगे आने से, है ना? नहीं नहीं, हमारे कस्टमर आते रहेंगे, हम बनाने में ही खड़े रहते, दिन भर खड़े रहेंगे, हमारा काम है सेवा। और लोगों की हिम्मत है जो गर्मी में लोग स्पेशल आके आपके पास अटेंडेंस लेके खा रहे हैं ना? हमारा काम है जनता की सेवा करना, उसका सेवा करना। सेवा करते मेवा नहीं लेते ना जी? मिलता है आशीर्वाद। आशीर्वाद, पैसा नहीं लेते, फिर हमें भी फ्री में खिलाएंगे, लोग कहेंगे फ्री में खा के आगे। एक प्लेट लगा दीजिए, और इसके साथ खाने के लिए क्या देते हैं आप? चटनी है उसके साथ, मिर्ची है। अच्छा, दिखा दो चटनी कैसी रहती है। ये भी घर में बनाते हैं? ये भी चला के दिखा दो चटनी एक बारी। चलाओ, ये मिर्ची कितनी दूर तक चलती है? ये बहुत देर तक चलती है। ऊपर से दिखाना, धार दिखाना, क्या बात है, क्या बात है। ये पेवर आम की खटाई की चटनी है, लहसुन मिला है, धनिया मिला है, मिर्चा मिला है। एक चीज भूल गया,
क्या आपने अपने हाथों का रस प्यार मिला है इसमें? ये हमारे कस्टमर का प्यार है और कस्टमर का प्यार आशीर्वाद है। ये प्याज की पकौड़ी हमारी है और ये तो बहुत छोटी है ना, ये पालक की है, पालक की साइज देख लो भाई साहब, ये पनीर की है। झूठ बोलकर लोगों को खिलाते पकौड़ी के नाम पर पकौड़ा दे रहे हैं डबल, वो भी क्या बात है। तलुई मिर्ची, मिर्ची हो गई। अच्छा जी, चाट मसाला मार दे, चाट मसाला मार दिया पकौड़े के मुंह के ऊपर है ना। हाँ, ये देखिए, ये देखो जी, ये देखो पकौड़े के मुंह के ऊपर कैसे चाट मसाला मारा है दोबारा। और ये अभी ग्रीन अभी चटनी, चटनी आय हाय हाय, ये देखो चटनी मैंने भाई को हाथ में पकड़ा दी पकौड़े, क्योंकि मैं पकौड़े ज्यादा मैं खाऊंगा, चटनी भाई को दूंगा। तो भाई साहब ये पकौड़े आगे गर्मा गर्म, और पकौड़े के मुंह में ना तीन चार बारी गब्बर भाई ने तमाचा मारा चाट मसाले का ना गौरव भाई। तो ये टेस्टी रहते कि नहीं रहते भाई? इसीलिए तो अलग प्लेट लगवाई है, कहते ना दिल ललचाए रहना जाए, पर ये गर्म बहुत है यार। ये देखो, ये ये देखो पनीर चेक कर लो, हॉट है यार ये तो भाई। मैं तो बचपन से खा रहा हूँ। जहाँ पर ना दोपहर में लोग खाना नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ ये पकौड़े खाते, पकौड़े का नाम पकौड़ी है और साइज इसका बहुत बड़ा है। और एक बार ये टेस्ट कर लेते हैं इसको, ग्रीन चटनी पनीर का पकौड़ा, देसी पनीर हैंडमेड घर में बनाते हैं, स्वाद है। ऑडियंस गवाही दे रही है ना, टेस्ट बिकता तब लोग इनके पास स्पेशल खाने के लिए आते हैं। गब्बर भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत कर। और ये बता दीजिए किसने खाने के लिए आना, कहाँ पर आएगा, लोकेशन एड्रेस क्या पड़ती है? यहाँ पड़ेगी, आप आइए लता चौक आगे पड़ता है, लता चौक से जस्ट आप रामपत मोड़ रोड पे आएंगे। जी जी जी, उससे ये पहला पहली गली मुड़ी है। जी पहली गली मुड़ी है, रामपाड़ी की पहली गली में गब्बर पकौड़ी गली हुआ है, गब्बर पकौड़ी वाले है ना ये पकौड़ी ही। पकौड़ी भंडार, नाम सुनकर तो ऐसा लगता है छोटी छोटी पकौड़ी होगी, पर पकौड़ियों के आप पापा बनाते हैं ना। हाँ। क्या बात है गब्बर भाई, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम, जय सीताराम।